इस वक्त की बड़ी खबर अयोध्या से हमारे पास है, वो आपको बता दें। अयोध्या में गैंगरेप के आरोपी के खिलाफ बुलडोजर एक्शन चल रहा है। आरोपी मोहित खान के अवैध निर्माण को तोड़ा जा रहा है। ये तस्वीर वहीं की आप देख रहे हैं। गैंगरेप कांड के आरोपी के खिलाफ बुलडोजर एक्शन अयोध्या में शुरू हो चुका है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। मुख्य आरोपी मोहित खान के अवैध निर्माण को इस वक्त तोड़ा जा रहा है। देखिए, जो मुख्य आरोपी है मोहित खान, उसकी अलग अलग संपत्तियों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है, जांच पड़ताल की जा रही है और इस वक्त की तस्वीर आपके सामने है, जहां पर बुलडोजर एक्शन होता हुआ आपको नजर आ रहा है। नाबालिग के साथ रेप के मामले में मुख्य आरोपी है सपा नेता मोहित खान। बुलडोजर एक्शन अब शुरू हो चुका है। मोहित खान की बेकरी पहले ही सील की जा चुकी है, ये आप जानते हैं। कई संपत्तियों पर एक्शन हो सकता है, ये बात सामने आ रही है। और साथ ही मोइन खान पर तालाब, कब्रिस्तान और कई सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने का भी आरोप है। अभी वहां पर जो बुलडोजर एक्शन चल रहा है, ये उसी की तस्वीर आपको सीधी हम दिखा रहे हैं। आरोपी जो है मोहित खान, वो समाजवादी पार्टी का नेता बताया जा रहा है। उसकी संपत्ति पर यह एक्शन होता हुआ, मोहित खान की बेकरी में बने सामानों का सैंपल लिया गया, उसके बाद बेकरी को सील कर दिया गया, लाइसेंस उसका रद्द होगा, ये बात सामने आ रही है। अब आरोप ये कि रेप मामले में सुलह ना करने पर उसे जान से मारने की भी धमकी दी गई है। पीड़िता को यह धमकी अस्पताल में दी गई, ये बात भी सामने आई। और परिजनों को सुलह ना करने पर धमकी देने के मामले में समाजवादी पार्टी के नेता मोहित खान पर मामला दर्ज है और अब उसकी संपत्तियों की जांच पड़ताल जो की जा रही है, उनमें से एक जहां पर इस वक्त एक्शन होता हुआ आपको नजर आ रहा है। अयोध्या गैंगरेप मामले में एक्शन। कल आपको याद है कि पीड़िता की मां ने सीएम योगी से लखनऊ में मुलाकात की थी, वो तस्वीरें भी सामने आई थी, जहां पर सीएम योगी ने जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन का भरोसा दिया था पीड़ित परिवार को, और ये कहा था कि जिनके भी नाम सामने आएंगे, जो भी दोषी होंगे, उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनका बुलडोजर जो चल रहा है वो चलता ही रहेगा आरोपियों के ऊपर, आरोपियों के खिलाफ। और वही होता हुआ अयोध्या में इस वक्त आप देख रहे हैं। अयोध्या गैंगरेप कांड, मोहित खान के यहां बुलडोजर एक्शन जारी है इस वक्त की ये तस्वीर। और साथ ही विधानसभा में भी सीएम योगी ने इस बात को उठाया था, आरोपियों पर एक्शन की बात कही थी। और आरोप यह है मोहित खान पर कि कई जगहों पर सरकारी जमीन पर इसने कब्जा कर रखा है, तालाब की जमीन भी है, कब्रिस्तान की जमीन है, साथ ही सरकारी जमीन पर भी इसने कब्जा किया है। अब सभी की जांच पड़ताल की जा रही है, उनको चिन्हित किया जा रहा है, उसके बाद बारी बारी से सभी जगहों पर एक्शन होगा, ये बात सामने आ रही है। इस मामले में कई गिरफ्तारियां हुई हैं और जो पुलिस अधिकारी वहां पर जिन्होंने लापरवाही बरती, उनके ऊपर भी एक्शन लिया गया है। अभी और एक्शन दिखाई देगा, इस बात के संकेत सीएम योगी ने कल दिया था। और साथ ही ये कहा कि जो भी अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित की है इन आरोपियों ने, उनको ध्वस्त कर दिया जाएगा, उसको तोड़ा जाएगा। और वही होता हुआ ये अयोध्या में आप इस वक्त देख रहे हैं। योगी सरकार का ये कड़ा एक्शन, जो भी गुनहगार है उन पर एक्शन होता हुआ, मोहित खान की संपत्ति पर बुलडोजर एक्शन इस वक्त हो रहा है, इस वक्त की तस्वीर। आरोपी की अवैध संपत्ति जिस पर एक्शन हो रहा है, जितने भी आरोपी हैं अब सभी की संपत्ति के बारे में जांच पड़ताल की जाएगी मोहित खान के अलावा, और उन पर भी एक्शन होगा, उनकी संपत्ति पर भी एक्शन होगा, ये कहा जा रहा है। देखिए, अयोध्या गैंगरेप की पीड़ित नाबालिग से यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने मुलाकात की। मुलाकात के बाद वो भावुक हो गए, मीडिया से बात करने के दौरान वो फूट फूट कर रोए। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर अत्याचार का आरोप लगाया और कहा कि आरोपी समाजवादी पार्टी का है और इसलिए वो पार्टी दफ्तर के बाहर धरना देंगे और आरोपी को फांसी की सजा दिलवा कर रहेंगे। तो गैंगरेप पीड़िता से मुलाकात की संजय निषाद ने, उनके परिवार से मिले और वहां पर जाकर जब बाहर वो लौटे तो मीडिया के सामने फूट फूट कर रोए। उन्होंने कहा कि एक्शन होना चाहिए, आरोपी को फांसी तक की लड़ाई मैं लड़ूंगा। मेरे समाज के लोग, मेरी पार्टी के लोग, जिस दिन पता चला उसी दिन से खड़े हैं
और अंतिम तक जब तक उसे फांसी पर नहीं लटका देंगे तब तक डॉक्टर संजय उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। बस इतने उम्मीद रखता हूँ कि मैं अपने समुदाय का किस तरीके से उनका सुरक्षा दे सकता हूँ। मैं नहीं होने देना चाहता हूँ। मैं सभी पार्टी से अपील करूंगा, अत्याचारी का कोई जाति नहीं होता, उसका साथ न दे। और ऐसे अत्याचारियों के खिलाफ मैं समाजवादी पार्टी में उसके कार्यालय में जाकर धरना दूंगा कि ऐसे समाजवादी पार्टी से नारा देने वाले सांसद को पार्टी से बाहर करें और उसे उनकी सदस्यता समाप्त हो जाए, जो इस सांसद ने उसका उनके लिए पैरवी की है। पूरे के पूरे उसके मुकदमा नहीं होने दिया कई दिन तक। वो 13 साल की बच्ची है, 13 साल की बच्ची कहाँ जाएगी, कहाँ मुँह दिखाएगी और किस तरीके से ये मेरे समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है। अपने न्याय के लिए मेरा साथ दें और मैं उसे जहाँ तक हो सकता है उसे लड़ाई लड़ने का काम करूँगा। तो यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं संजय निषाद, पीड़िता से मुलाकात की, उसके बाद मीडिया के सामने आए और भावुक होते हुए आपको नजर आए। देखिए ओलंपिक को लेकर है, मनु भाकर का मुकाबला जारी है पेरिस ओलंपिक से। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, 25 मीटर ये शूटिंग आज का जो इवेंट है मनु भाकर का, उससे जुड़ी बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं कि अभी वहां पर मुकाबला मनु भाकर का जारी है। अभी दूसरे नंबर पर मनु भाकर चल रही है, इस वक्त की अपडेट आपको बता दें। देखिए आज गर्व का क्षण है और ऐतिहासिक क्षण भी आज हो सकता है मनु के लिए भी और साथ ही पूरे देश के लिए भी। 25 मीटर एयर पिस्टल फाइनल मुकाबला आज और मनु भाकर का ये मुकाबला वहां पर इस वक्त चल रहा है, ये आप जानिए। और अभी इस वक्त पोजीशन दूसरी है मनु की, कहा जा रहा है कि दूसरे नंबर पर वो इस वक्त है। तो 2 ब्रॉन्ज मेडल पहले ही वो जीत चुकी हैं, मेडल की हैट्रिक लगाने के इरादे से मनु आज उतरी हैं, उनका मुकाबला वहां पर चल रहा है। और दूसरी ओर एक और पेरिस ओलंपिक पर सभी की निगाहें और दूसरी ओर पूरे हिंदुस्तान में उनके लिए प्रार्थनाओं का दौर भी चल रहा है। और मनु भाकर के घर से मेरी सहयोगी रिया जुड़ चुकी है, सीधे आइए उन्हीं का रुख करें। रिया दिखाइए जरा वहां की तस्वीर भी, लोग क्या कुछ कह रहे हैं, उनको कितनी उम्मीद है मनु भाकर से। आज तो हैट्रिक की उम्मीद पूरा हिंदुस्तान कर रहा है और उनके घर में लोग क्या कह रहे हैं। देखिए बिल्कुल पूरी जो सोसाइटी है वो यहाँ पर का लाइव टेलीकास्ट सब लोग यहाँ एक साथ देखते आपको नजर आ जाएंगे। और देखिए जो हौसला है वो लगातार बना हुआ है। बात करते हैं यहाँ पर कुछ लोगों से, सर क्या कहना चाहेंगे इस मुकाबले में यहाँ तक फाइनल्स तक पहुँच गई है। बहुत बड़ा दिन है भारत के लिए, सारे देशवासियों के लिए और हम सारे रेजिडेंट्स के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा दिन है। के लिए तो ये बहुत ही प्राउड इवेंट है और हम लोग इसके लिए कितने समय से वेट कर रहे थे एंड वी आर वेरी मच कॉन्फिडेंट कि मनु विल कम विद लॉट ऑफ मेडल्स एंड वी आर वेरी हैप्पी टुडे कि एक आज घर पर गोल्ड ही आएगा। यस गोल्ड आएगा, गोल्ड मिलेगा, मनु भाकर को गोल्ड ही मिलेगा। हमारी सोसाइटी में 7 टावर्स हैं, उसमें से शी स्टेज इन जी टावर एंड जी स्टैंड्स फॉर गोल्ड, सो नथिंग लेस देन गोल्ड, सो वी आर एंटीसिपेटिंग। तो बिल्कुल जो उत्साह है वो देखते ही बनता है और गोल्ड घर आने की आज उम्मीद है। और ये जो मुकाबला है देखिए आपको सब यहाँ पर बच्चे भी नजर आएंगे, महिलाएं और सोसाइटी के सभी लोग यहाँ पर हैं और यहाँ पर ये जो मुकाबला है वो देख रहे हैं और मनु भाकर को यहाँ पर लगातार चीयर किया जा रहा है। तो देखिए उत्साह जो है वो जरूर बना हुआ है, आप क्या विशेष देना चाहेंगे। हम बहुत खुश हैं, हमको पूरी उम्मीद है, अभी नंबर 3 पर मनु चल रही है सीरीज 5 के बाद और हमारे को पूरी उम्मीद है कि गोल्ड मेडल आज आएगा ही आएगा। और साथ मनु भाकर सबसे धाकड़, सबसे मनु भाकर हरियाणा की शेरनी सबसे धाकड़, हरियाणा की जाटनी सबसे धाकड़। 3 मेडल एक सीरीज में एक इवेंट में लेके आना एक देश के लिए भी प्राउड है, पेरेंट्स के लिए भी प्राउड है, एज ए रेजिडेंट्स हम सोसाइटी RW मेंबर्स के लिए भी प्राउड है और रेजिडेंट्स के लिए भी प्राउड है। 3 मेडल एक सोसाइटी में फरीदाबाद में लेके आना अपने आप में बहुत प्राउड मोमेंट है। हम बहुत खुश हैं, बहुत हैप्पी हैं, वी आर प्लानिंग फॉर अ ग्रैंड सेलिब्रेशन, हमने पूरा तैयारियां कर ली, हमारा आएंगी उनका स्वागत बड़े, बिल्कुल पूरा एक व्हाट्सएप ग्रुप बन गया है, कहाँ डेकोरेशन होगा, कहाँ से ढोल आएगा, क्या स्नैक्स होगा, वो सब चीज़ों की प्रिपरेशन हो रही है। 7 तारीख को जब वो आएंगी उनको होर्डिंग्स मिलेंगे, स्टैंडिंग्स मिलेंगे, उनका
ग्रैंड वेलकम हम करने वाले हैं। अपनी बेटी का जो स्वागत है वो बड़े बहुत उत्साह से, बहन का बेटी का स्वागत हम बहुत उत्साह से करने वाले हैं। तो देखिए आप देख पाएंगे यहाँ पर जो उत्साह है वो देखते ही बनता है। अभी देखिए तस्वीरों में आपको मुकाबला भी जो है वो लाइव नजर आएगा। लोग देख रहे हैं यहाँ पर लगातार बने हुए हैं और सब लोग इकट्ठा है। उम्मीद यही है कि आज जो है वो गोल्ड घर आएगा और ये जो मेडल की हैट्रिक है ये पूरी होगी, इसी की उम्मीद यहाँ पर जो है सब लोग बच्चे करते आपको नजर आएंगे। तो ये उत्साह जो है वो लगातार बना हुआ है। सर आप कुछ विशेष देना चाहेंगे, अभी मुकाबला चल ही रहा है, क्या कुछ पहुंचाना चाहते हैं? हमें इसे बोलना चाहते हैं मनु अपना शांति से कॉन्सेंट्रेटेड खेले, वो निश्चित विजय प्राप्त करेगी और गोल्ड मेडल ले आएगी, ये हमारी पूरी आशा है और भगवान से प्रार्थना है। उनको जो जानते हैं, जैसे आप कई साल से उनके साथ रह रहे हैं, हमेशा से ही काफी वो टैलेंटेड रही हैं, एकाग्र रही हैं, क्या देखा? बहुत शांत स्वभाव की एकाग्रता है, उन्होंने पूरा अपने रिलेशन वगैरह सब छोड़ करके, माने कहीं जाना आना नहीं, पूरा गेम है शूटिंग रेंज में अपना डेली सवेरे शाम तक बिताना और वहीं अपना प्रैक्टिस करते रहना है। उनका पूरा परिवार साथ में, पूरा सोसाइटी हमारे साथ में उनके खड़ा है, पूरा देश खड़ा है उनके साथ में। भगवान से ही प्रार्थना है कि वो गोल्ड मेडल ले आए और निश्चित हमें पूरा विश्वास है लेके आएगी यहाँ पर। एक और गोल्ड मेडल की उम्मीद है आज, एक गोल्ड मेडल की कि ओलंपिक्स में फाइनली? यस, हमें और हमारे पूरे देश को उम्मीद है कि एक गोल्ड आएगा क्योंकि मन्नू अभी पिछले दो ब्रॉन्ज लेने के बाद पूरा कॉन्फिडेंट हो गई है और मन्नू ऐसे भी है बहुत ही, अब उसने ठान लिया कि गोल्ड लेके आएंगे। आप देखो ये गोल्ड ही गोल्ड आएगा। यस, तो बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारी लड़कियों को इंस्पिरेशन मिलता है शूटिंग के लिए, बिकॉज फरीदाबाद में शूटिंग रेंज हमारे घर से बहुत नज़दीक में है। इससे क्या, तो जो नए बच्चे हैं, नई लड़कियां, जो नए बच्चे आ रहे हैं उनको भी इंस्पिरेशन मिलता है कि वाह हमको भी गोल्ड के अंदर आना है, हमको भी स्पोर्ट में आना है, हमको भी देश का नाम रोशन करना है, इंस्पिरेशन जरूर बनेगी। देखिए अपडेट दे दें आपको कि मनु भाकर इस वक्त टॉप पर पहुंच चुकी हैं। बड़ी अपडेट ये है कि मुकाबला उनका चल रहा है और अभी इस वक्त वो टॉप पर है। रिया वहां पर लोगों से बात कीजिए। अच्छा रिया से संपर्क टूट गया है, दोबारा से उनका हम रुख करेंगे, लेकिन देखिए मुकाबला चल रहा है मनु भाकर का वहां पर और ये उम्मीद की जा रही है कि वो आज तीसरा अपना मेडल जीते और वो गोल्ड मेडल हो। आज तो बहुत बड़ा दिन मनु भाकर के लिए और पूरे हिंदुस्तान की निगाहें लगातार टिकी हुई हैं। अपडेट है आपके पास इस वक्त कैसा चल रहा है? खबर है कि एक ब्रॉन्ज मेडल का शूट ऑफ था और मनु भाकर चौथी आई है, यानी कि जो हैट्रिक ऑफ मेडल्स की हम उम्मीद कर रहे थे वो नहीं हो पाया है अनफॉर्चुनेटली। ये एक बहुत बड़ी खबर यहां पर यह है कि मनु चौथे पोजीशन पर आई है 25 मीटर एयर राइफल पर हंगेरियन शूटर के साथ। उनका शूट ऑफ था ब्रॉन्ज मेडल के लिए, एक समय ऐसा था कि जब मनु भाकर लीड भी कर रही थी, नंबर दो और तीन पर लगातार थी, लेकिन आखिर में आके वो जो नर्व्स की हम बात कर रहे थे वो आए और हंगेरियन शूटर और मनु भाकर के बीच जो ब्रॉन्ज मेडल का शूट ऑफ था उसमें मनु भाकर हार गई और एलिमिनेट हो गई। चौथे स्थान पर आई है मनु भाकर 25 मीटर पिस्टल है उसके फाइनल्स में। तो चौथा स्थान, जो हैट्रिक की हम यहां लगातार बात कर रहे थे, जो हम बात कर रहे थे कि यहां पर जो है एक मेडल और आ सकता है, ब्रॉन्ज के अलावा सिल्वर या गोल्ड भी आ सकता है, आखिर में जाके वो नहीं हुआ क्योंकि वो चौथे स्थान पर आई है। लेकिन बहुत ही ब्रिलियंट यहां पर परफॉर्मेंस रहा है मनु भाकर का, तीन इवेंट में से दो ब्रॉन्ज, आखिरी में भी वो चौथे स्थान पर आई, लगा ऐसा कि एक हैट्रिक हो जाएगा लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ा उलटफेर हो गया। पूरे सीरीज में चाहे हम क्वालिफिकेशन की बात करें या फिर मेन राउंड की बात करें, यहां पर लगातार यहां पर मनु भाकर कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रही थी, लेकिन उस एन मौके पर आकर एक सीरीज जो आखिरी सीरीज था, जो एलिमिनेशन सीरीज था, जिस पे ये तय हो जाता कि मनु भाकर को मेडल मिल जाता, कम से कम ब्रॉन्ज मिल जाता, उस सीरीज में वहां पर मनु भाकर चूक गई। और वहां पर आपको बता दें कि 28 अंक के साथ, जो 28 है टोटल उन्होंने जो स्कोर है उनका वो 28 है और ब्रॉन्ज जो है अभी जो है 31 पे गया है, यानी कि 3 पॉइंट पीछे। जो आखिरी सीरीज जो मनु भाकर ने शूट किया वो बहुत अच्छा सीरीज नहीं था, हंगेरियन जिनके साथ उनका शूट आउट हुआ था उन्होंने काफी अच्छा सीरीज शूट किया और इसी वजह से मनु भाकर जो है चौथे स्थान पर रही। तो ये बहुत अच्छी खबर नहीं है, एक हार्ट ब्रेक कह सकते हैं, क्योंकि पूरे देश की उम्मीद यहां पर मनु भाकर के पास थी कि वो तीसरा मेडल जो है अपने आप इसी ओलंपिक्स में लेके आएंगी, भारत को एक चौथा मेडल मिलेगा, शायद ब्रॉन्ज और ब्रॉन्ज से और बेहतर मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन इसके बावजूद
जो है मनु बाकर की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, क्योंकि इतिहास तो उन्होंने पहले ही रच दिया था जब वो पहली भारतीय एथलीट बनी जिन्होंने एक ही ओलंपिक्स में दो मेडल जीते, उन्होंने दो ब्रॉन्ज अपने नाम किया। आज एक मौका था, एक सुनहरा मौका था उनके पास कि वो तीसरा मेडल भी लेके आए, एक अनोखा हैट्रिक लेके आए, लेकिन वो बहुत बड़ा मौका, लेकिन वो चूक गई हैं आप ये बता रहे हैं, और उनको हार का सामना करना पड़ा है। इस वक्त की बड़ी खबर ये